देखिए जी, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये जो मिलकर जब्त करने के खेल चल रहे हैं ना जी, पहले कर चुके हैं जी। सारी बैंकें प्राइवेट थे, लूट लिया रातों रात, गरीबों के नाम पर लूटा गया। लेकिन हमारे देश की बैंकें खस्ता हाल हो गई। आधे से अधिक आबादी ऐसी थी कि गरीबों के नाम बैंक तो लिया लेकिन बैंक खाता नहीं खुला। ये मोदी ने आकर के 52 करोड़ बैंक के खाते खोले और उसका सबसे बड़ा मैंने फायदा उठाया। खाते खोल करके आंकड़ा नहीं किया, मैंने जनधन, आधार और मोबाइल, इस ट्रिनिटी को लेकर के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 36 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी, 36 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खाते में गए। अगर मैंने बैंक खाते ना खोले होते तो इनका बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साल में जितने अकाउंट खुलते होंगे ना, उससे ज्यादा काम हमारे देश में हुआ है। जल जीवन मिशन, हमारे देश में जी 3-4% घरों में भी घर में नल से जल आता था, वो भी ज्यादातर अर्बन लोकैलिटी में। आज 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचा है। अब ये सारे काम है, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर ऐसे ही नहीं आए जी, हमने उनको इतना सशक्त बनाया। और मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हम गरीब को इतनी ताकत दें कि गरीब खुद गरीबी को परास्त करे। और जब गरीब अपने मेहनत से गरीबी को परास्त करता है ना, उसके बाद उसको गरीबी में वापस नहीं जाना, ये संकल्प बन जाता है और वो देश की शक्ति बन जाता है। आज हमें फायदा है 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी। और ये एक मॉडल बनेगा जी, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए मॉडल बनेगा जी। अब देखिए 2014 के पहले क्या हाल था, 2014 के पहले आपके सारे मीडिया वाले निकाल दीजिए, फ्रेजाइल फाइव यही हेडलाइन होता था जी। आज जी हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गए। IMF ने दुनिया के 150 देशों का समूह, जिसमें चाइना भी है, हिंदुस्तान भी है, जिसको हम कहें कि एक डेवलपिंग कंट्रीज है या जो इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देश है, ऐसा का एक समूह का उनको क्लासिफाई करके उन्होंने उसका एनालिसिस किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी एक प्रकार से ये इंडिया का पीयर ग्रुप हम कह सकते हैं। अब देखिए क्या एनालिसिस है, 1998 इंडिया पर कैपिटा GDP इस पीयर ग्रुप से 30% के आसपास थी, यानी पूरा 150 देशों का देश है। उस समय अटल जी की सरकार थी, 98 में अटल जी की सरकार है। 98 से 2004 अटल जी के अपने कार्यकाल में ये 30% को 35% ले गए। अच्छा था, अच्छा प्रोग्रेस हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए जी, 2004 में ये सब खिचड़ी कंपनी आ गई और ये खिचड़ी कंपनी ने